यू नीड टू अंडरस्टैंड, हमें इस वक्त स्टूडेंट्स का साथ चाहिए। तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो लोग हमारे साथ क्यों देंगे? मुझे किसी ऐसे की जरूरत नहीं है जिसके दिल में खोट हो। किसी के दिल में कोई खोट नहीं है, जानती हूँ। अमल को लेके तुम पजेसिव हो और हाँ, अमल की नहीं है ये सब कुछ। अगर तुम्हारे साथ होता मैं तब भी ये करता जो अभी कर रहा हूँ। और इस बात के लिए मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन इस बात में भी दो राय नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी के काफ़ी स्टूडेंट्स का मानना है कि प्रोफेसर हुमायूं के लिए फेयर एंड फेयर ट्रायल होना चाहिए। अब तुम इन सबसे लड़ोगे क्या? लड़ूंगा। हर उस इंसान से लड़ूंगा जो अमल के खिलाफ है। अमल का सच मेरा सच है। 10-12 स्टूडेंट्स मैटर नहीं रखते मेरे लिए। पूरी यूनिवर्सिटी को उसका साथ देने लग जाए ना, मैं तब भी लड़ूंगा। गुड, लड़ो, सबसे लड़ो, पूरी यूनिवर्सिटी से लड़ो, इस दुनिया से लड़ो। वेरी गुड। भाई सच्ची बात तो ये है कि बड़े बूढ़े ठीक ही कहा करते थे कि लड़कियों की असल तालीम उनकी तरबियत होती है। क्या करना है इतना पढ़ा लिखा कर, और ये आजकल के कॉलेज और यूनिवर्सिटियां, इनमें तो बेहयाई आम है आम। तो फिर यही होना था। आप चाय पीछे ना, ठंडी हो रही है। वो तो अल्लाह ने खैर की कि बच्ची की इज्जत बच गई। खुदा ना खास्ता अगर बड़ा नुकसान हो जाता तो जिंदगी भर के लिए दाग लग जाता। माना की रुख्सत होकर ताया के घर जाना है, पर भाई बुरे वक्तों में कोई किसी का सगा नहीं होता, सब अपनी जान छुड़ाते हैं। सभा से मुलाकात हुई आपकी? मैं तुमसे क्या बात कर रही हूँ और तुम क्या बात लेकर बैठ गई? नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी, वो मैं गई थी ना कल उसके घर, लेकिन दरवाजे पे ताला पड़ा था और कोई था ही नहीं, इसलिए पूछ रही थी आपसे। सुबह से ये पांचवी औरत है, इससे पहले चार और आकर इसी तरह की बकवास करके जा चुकी है, और शायद एक दो और आए। इसलिए बेहतर है कि इन लोग की बातों को दिल पे ना लो। कुछ गलत भी नहीं कह रही है महा। अमल ऐसा मत सोचो। देखो, मैं इस बात की तो गारंटी नहीं दे सकती कि मैं अम्मी अबू कब तक तुम्हारे साथ दे सकेंगे, लेकिन हाँ, मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ कि चाहे कुछ हो जाए, कितनी बड़ी आजमाइश क्यों ना आ जाए, एक शख्स तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हैदर। तो इसलिए लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।